हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉटन में ट्रेस कैसे निकालते हैं, मतलब ट्रेस का एनालिसिस कैसे करते हैं, और यदि आपको कॉटन में ट्रेस एनालिसिस करना हो तो आप किस इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे, और सरले ट्रेस एनालाइजर कैसे वर्क करता है, किसी भी मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है कॉटन ट्रेस एनालिसिस बाय सरले ट्रेस एनालाइजर एंड क्लीनिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ ए मशीन। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेस को एनालिसिस करते हैं, कि हमारे कॉटन के अंदर कितना ट्रेस है। दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं कि जो ट्रेस होता है कॉटन के अंदर, ये बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करता है किसी भी कॉटन की प्राइस डिसाइड करने में। जितना ही आपके कॉटन के अंदर ट्रेस कम होगा या ट्रेस परसेंटेज कम होगा, उतना ही आपका कॉटन महंगा बिकेगा। तो दोस्तों, जब भी कोई भी कस्टमर आपका कॉटन खरीदेगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपके कॉटन में कितना ट्रेस है। एक बात और होती है दोस्तों, जब आप कहीं पे स्पिनिंग मशीन में कोई भी यार्न बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जितना आपका ट्रेस परसेंटेज कम होगा कॉटन में, तो उतना ही आपका जो यार्न क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी। मतलब आपका ट्रेस परसेंटेज कम होगा तो क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी, क्योंकि सारी क्लीनिंग करने के बाद में भी कुछ ना कुछ पार्ट जो ट्रेस का होता है वो यार्न के अंदर चला जाता है। इससे आपकी जो यार्न की क्वालिटी होती है वो अफेक्टेड होती है। तो आपके कॉटन के अंदर जितना ट्रेस कम होगा उतनी आपकी क्वालिटी बेटर आएगी। दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ट्रेस एनालिसिस इन कॉटन फाइबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेस होता क्या है। ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों कि कॉटन के अंदर जो फाइबर होते हैं उनको छोड़ के जो भी इम्प्योरिटीज होती है उनको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेस परसेंटेज। देखिए यहाँ पर, व्हेन द कॉटन बॉल्स पास थ्रू जिनिंग मशीन, जब हमारी जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो जिनिंग मशीन के थ्रू पास होती हैं, द कॉटन सीड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे कॉटन सीड होते हैं वो कॉटन लीड से अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। द ब्रोकन लीव्स डस्ट आल्सो गेट रिमूव्ड अप टू सम एक्सटेंट। दोस्तों, अब हमारे कॉटन के अंदर जो सीड्स थे वो तो निकल गए, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो कॉटन है उसके अंदर क्या होता है कि और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो होती हैं आपकी ब्रोकन लीव्स भी हो सकती हैं, डस्ट भी हो सकती है। तो ये जो अदर इम्प्योरिटीज होती हैं सीड के अलावा, वो भी कुछ लिमिट तक जिनिंग के दौरान रिमूव हो जाते हैं। सम कॉटन सीड्स आल्सो गेट ब्रोकन ड्यूरिंग जिनिंग प्रोसेस। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारी जिनिंग प्रोसेस कंडक्ट की जाती है या कॉटन फाइबर की जिनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग जिनिंग कुछ जो कॉटन सीड होते हैं वो टूट जाते हैं। द सीड कोट्स डू नॉट एलिमिनेट फ्रॉम कॉटन। दोस्तों, जो सीड टूट जाते हैं तो उनके जो कवर होते हैं या खोल होते हैं वो जिनिंग के दौरान अलग नहीं किए जा सकते हैं। द जिंड कॉटन हैज मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। तो दोस्तों, इस तरीके से जो जिंड कॉटन होता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। वी कैन से दैट एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कॉटन फाइबर इज कॉल्ड ट्रेस। दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो ब्रोकन सीड हो, चाहे वो आपका सीड कोड हो, और चाहे आपकी ब्रोकन लीव्स वगैरह हो, तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हम ट्रेस बोलते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कि जो ट्रेस परसेंटेज होती है वो कैसे निकाली जाती है। द अमाउंट ऑफ ट्रेस इन द कॉटन फाइबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। दोस्तों, जो हमारे कॉटन फाइबर के अंदर जो ट्रेस मौजूद होता है या प्रेजेंट होता है, उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। ट्रेस परसेंटेज प्लेज डिसाइसिव रोल इन द कॉटन प्राइस। दोस्तों, ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं, हमारा कॉटन फाइबर होता है उसका प्राइस होता है जो
वो ट्रेस के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब ट्रेस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। द क्वालिटी ऑफ यार्न ऑल्सो अफेक्ट्स वाई ट्रेस परसेंटेज प्रेजेंट इन द कॉटन। तो दोस्तों ये ट्रेस परसेंटेज से हमारी क्वालिटी भी अच्छी और खराब हो सकती है। लो ट्रेस परसेंटेज इंश्योर्स बेटर क्वालिटी ऑफ द यार्न। जितना ही कम ट्रेस परसेंटेज हमारे कॉटन में होता है उतनी ही हमारी यार्न क्वालिटी अच्छे आने की गारंटी होती है। लो ट्रेस परसेंटेज कॉटन हैज हाई प्राइस इन कंपैरिजन ऑफ कॉटन हैविंग हाई ट्रेस परसेंटेज इन सेम कॉटन वैरायटी। दोस्तों एक कॉटन वैरायटी है और उसमें क्या है कि एक के अंदर तो ट्रेस परसेंटेज ज्यादा है और एक के अंदर यदि ट्रेस परसेंटेज कम है तो सीधी सी बात है जिस कॉटन के अंदर हमारा ट्रेस परसेंटेज कम होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ट्रेस परसेंटेज होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे एनालिसिस करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है सरले ट्रेस एनालाइजर का। तो दोस्तों ये जो सरले ट्रेस एनालाइजर होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके द्वारा ही हम किसी भी कॉटन के अंदर जो हमारा ट्रेस परसेंटेज होता है या ट्रेस कंटेंट होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ये जो हमारा सरले ट्रेस एनालाइजर है इसमें कौन सा पार्ट होता है और क्या फंक्शन होता है उसका। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये फीड टेबल है, तो इसके ऊपर हम कॉटन की फीडिंग करते हैं और ये आपका ये फीड रोलर है, तो इसी की सहायता से हमारा जो कॉटन होता है आगे की ओर बढ़ता है। ये दोस्तों टेकर इन है, टेकर इन होती है जो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो वायर होते हैं वायर पॉइंट लगे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा कॉटन होता है उसका फाइबर टू फाइबर सेपरेशन होता है। और ये आपका स्ट्रिपर नाइफ है, तो स्ट्रिपर नाइफ से क्या होता है कि जो टेकर इनके अंदर जो हमारे कॉटन लिंट फंसे होते हैं उनको ये अलग करने का काम करता है, मतलब स्ट्रिपिंग करता है। ये डस्ट एक्सट्रैक्टर डैम्पर है, तो यहाँ पर डस्ट एक्सट्रैक्ट होती है। और दोस्तों ये है आपका डिलीवरी बॉक्स फॉर क्लीन कॉटन, तो इसके अंदर क्या होता है जो भी यहाँ से निकलता है वो आपका इस बॉक्स के अंदर क्लीन कॉटन जमा होता जाता है। ये डोर है, इसकी सहायता से हम ये जो क्लीन कॉटन है इसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इधर से एक एयर की स्ट्रीम आती है और ये आपको यहाँ पे दिख रही है ये स्टीमर प्लेट है। देखिए दोस्तों ये वाली ये स्टीमर प्लेट है और आपका ये देखिए दोस्तों ये इम्प्योरिटीज फॉलिंग फ्रॉम एयर स्ट्रीम। दोस्तों यहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो आपकी यहाँ पे गिरती है, तो इम्प्योरिटीज में क्या हो सकता है आपके सीट कोट्स हो सकते हैं, आपकी डस्ट हो सकती है, आपकी ब्रोकन लीव हो सकती है और आपके स्टॉल्क भी हो सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर ये हिंज डोर है, तो यहाँ से हम ट्रेस को कलेक्ट करते हैं। और दोस्तों ये आपका फैन लगा हुआ है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कॉटन में जो डस्ट वगैरह होती है उसको बाहर को खींचता है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये एयर कंट्रोल वाल्व है कि कितना खोलना है कितना बंद करना उससे कंट्रोल होता है। ये दोस्तों जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर इस फैन की सहायता से बाहर से एयर अंदर की तरफ खींचता है। ये तो उसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये है आपका इस तरीके से ये एयर जा रही है और ये पूरी एयर की स्ट्रीम बन रही है, तो इससे जो गुड फाइबर्स होते हैं वो एयर स्ट्रीम के थ्रू इधर केज की सहायता से यहाँ पे आपके ये जो क्लीन कॉटन है वो डिलीवरी बॉक्स में आ जाती है दोस्तों। और एक देखिए ये एस्ट्रे है, तो इसके ऊपर आपके जो सीट्स वगैरह होते हैं सीट कोट्स होते हैं वो गिरते हैं। तो दोस्तों अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा ट्रेस एनालिसिस का प्रोसीजर होता है वो कैसे परफॉर्म होता है। देखिए दोस्तों ट्रेस एलिमिनेशन प्रोसेस, द कॉटन लिंट्स आर प्लेस्ड ऑन फीड टेबल। दोस्तों जो हमारे कॉटन के लिंट्स होते हैं वो फीड टेबल के ऊपर रखे जाते हैं। द कॉटन लिंट्स आर ओपन मैनुअली बाई हैंड बिफोर प्लेसिंग देम ऑन फीड टेबल। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कॉटन लिंट्स होते हैं उनको फीड टेबल पर रखने के पहले हम मैनुअली अपने हाथों की सहायता से उसको अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, लिंट्स फीडिंग इज डन यूनिफॉर्मली। दोस्तों ये जो हमारी लिंट्स की फीडिंग होती है या कॉटन की फीडिंग होती है उसको हम यूनिफॉर्मली करते हैं, मतलब एक समान
हमेशा रखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, ए फेयरली थिन फ्लीस ऑफ कॉटन लेंस फीड इन द एनालाइजर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपने कॉटन की एक पतली सी एक फ्लीस बना लेते हैं, तो उसको हम फीड टेबल पर रख देते हैं, तो उसी को फीड करते हैं। हाफ ऑफ द लेंस आर प्लेस्ड ऑन फीड टेबल इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म फ्लीस बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेस एनालाइजर। दोस्तों हम अपने इंस्ट्रूमेंट को या ट्रेस एनालाइजर को स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसका आधा अमाउंट ले लेते हैं और उसकी एक यूनिफॉर्म और थिन एक फ्लीस बना लेते हैं और उसको फिट टेबल पर रख देते हैं। द हार्ड लम्स ऑफ ट्रेस एंड फुल कॉटन सीड्स आर पिक्ड अप मैनुअली फ्रॉम टेस्ट सैंपल एंड आर वेड विद ट्रेस। दोस्तों हम जब अपने कॉटन की ओपनिंग कर रहे होते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कोई बाहर का पार्ट तो ऐसा नहीं मिला हुआ जिससे हमारी टेकर के जो वायर पॉइंट है वो खराब हो जाए। जो हमारे फुल सीड होते हैं या साबुत सीड होते हैं और भी मेटालिक कोई भी अगर उसमें कुछ है तो उसको हम हाथ से निकाल देते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एनालिसिस करते हैं ट्रेस का तो उसको ट्रेस के साथ में ही तोला जाता है। इफ दीज ट्रेस लम्स एंड फुल सीड्स आर अलाउड टू फीड विद कॉटन लेंस। दोस्तों यदि हम इनको अलग नहीं करते हैं, जो हमारे लम्स हैं हार्ड लम्स हैं या फुल सीड्स हैं इनको अलग नहीं करें तो क्या होगा, द फीड टेबल प्लेट एंड टेकर इन वायर पॉइंट मे गेट डैमेज। तो दोस्तों क्या होगा कि हमारी फीड टेबल भी डैमेज हो सकती है और जो हमारा टेकर इनका जो वायर पॉइंट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम बहुत केयरफुल रहते हैं इस मामले में कि जब हम कॉटन को फीड कर रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि जो सैंपल चेक कर रहे हैं उसके अंदर कॉटन के हार्ड लम्स तो नहीं है और उसमें कोई मेटालिक मटेरियल तो नहीं है और उसमें कोई फुल सीड वगैरह तो नहीं है। यदि है तो उनको पहले ही अलग कर लेते हैं। द एयर फ्लो कंट्रोल वाल्व इज ओपन्ड एट बिगनिंग ऑफ द टेस्ट। दोस्तों जब हम टेस्ट को इनिशिएट करते हैं तो जो एयर फ्लो का कंट्रोल वाल्व होता है उसको हम ओपन कर देते हैं। दिस वाल्व इज क्लोज्ड आफ्टर एंड ऑफ ईच टेस्ट। और दोस्तों जब हमारा टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो इस वाल्व को हम फिर से दोबारा तुरंत के तुरंत बंद कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों मेथड ऑफ ट्रेस एनालिसिस इन कॉटन फाइबर। दोस्तों जब हम किसी कॉटन के अंदर ट्रेस परसेंटेज का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो हम सैंपल साइज रखते हैं वो 100 ग्राम का रखते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ कॉटन इज वेड एक्यूरेटली। दोस्तों हम 100 ग्राम कॉटन लेते हैं उसको बहुत केयरफुली तोल लेते हैं। इट इज पास्ड थ्रू ए सरले ट्रेस एनालाइजर और इसको हम सरले ट्रेस एनालाइजर से पास करते हैं। द कॉटन लेंस आर पास्ड मिनिमम 2 times थ्रू द ट्रेस एनालाइजर। दोस्तों जो हमारा कॉटन लेंस होते हैं उनको हम मिनिमम 2 बार सरले ट्रेस एनालाइजर से पास करते हैं। इफ द ट्रेस इज स्टिल फाउंड टू कंटेन ए साइजेबल अमाउंट ऑफ लेंस। दोस्तों इसके बाद भी यदि हमें लगता है कि हमारे कॉटन के अंदर जो ट्रेस निकला है उसमें कॉटन लिंट्स की अभी और भी मात्रा है, द ट्रेस इज फर्दर प्रोसेस्ड थ्रू ट्रेस एनालाइजर। तो दोस्तों हम तीसरी बार फिर से उस ट्रेस को सरले ट्रेस एनालाइजर में फीड करते हैं तो उससे जो भी बचे हुए हमारे लिंट्स होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। द लिंट्स फाउंड आफ्टर 2 or 3 times प्रोसीडिंग्स आर वेट टुगेदर। अब दोस्तों हमने 2 बार प्रोसेस करा या 3 बार प्रोसेस करा, प्रोसेस का मतलब हमने अपने कॉटन को या अपने सैंपल को सरले ट्रेस एनालाइजर से 2 बार निकाला है या 3 बार पास किया है, तो उसके बाद में जो भी हमें कॉटन लेंस प्राप्त होते हैं उनको सारे कॉटन लेंस को हम एक साथ तोल लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ट्रेस इज वेट आफ्टर फाइनल प्रोसीडिंग। दोस्तों और जो हमारा ट्रेस होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फाइनल प्रोसीडिंग के बाद में हम उसको तोलते हैं। नाउ द ट्रेस परसेंटेज एंड इनविजिबल लॉस आर कैलकुलेटेड। दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, जनरली 2 samples ऑफ 100 grams ईच आर एनालाइज सेपरेटली। हम क्या करते हैं कि जो कॉटन होता है उसमें से हम 2 sample टेस्ट करते हैं और दोनों सैंपल्स को हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ द बोथ सैंपल्स इज कैलकुलेटेड।
अब दोस्तों जो हमें दो सैंपल में जो लेंस प्राप्त होते हैं और उनमें हमें जो टेस्ट कंटेंट प्राप्त होता है तो उनको हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टेस्ट कैलकुलेशन होता है वो कैसे किया जाता है। टेस्ट कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ऊपर बताया था कि हम क्या कर रहे हैं कि जो सैंपल का अमाउंट ले रहे हैं, सैंपल साइज ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 100 ग्राम का। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम कॉटन लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 100 ग्राम कॉटन लिया। इसके बाद में हमने इसको फर्स्ट प्रोसेस में सरले टेस्ट एनालाइजर से पास किया तो जो हमारा निकल के आया, जो लेंट निकल के आया वो L1 ग्राम्स हो गया और जो टेस्ट निकल के आया वो हो गया आपका T1 ग्राम। तो अब ये जो T1 ग्राम है इसको हमने फिर से सरले टेस्ट एनालाइजर में प्रोसेस किया। तो प्रोसेस करने के बाद में फिर क्या हुआ, इस टेस्ट से जो T1 था इससे हमें कुछ लेंट प्राप्त हुए, वो कितने हुए, L2 ग्राम्स प्राप्त हुए और जो हमारा ट्रेस निकल के आया वो T2 ग्राम्स आया। तो दोस्तों इसके बाद में यदि आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि अभी भी ट्रेस के अंदर हमारे कुछ कॉटन लेंट्स अभी भी प्रेजेंट हैं, तो हमने इसको फर्दर प्रोसेस किया। तो फर्दर प्रोसेस करने पे क्या होगा, ये जो T2 ग्राम्स ट्रेस था इसमें हमने जब प्रोसेस किया तो आपको L3 ग्राम्स लेंट मिल गए और जो ट्रेस निकला आपका T3 ग्राम्स निकला। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो लेंट परसेंटेज होगी आपकी, अब यदि आपने दो बार प्रोसेस किया तो वो होगी आपकी L1 प्लस L2। मतलब पहली बार में जो लेंट निकला था यहाँ पे L1 ये आ गया और दूसरी बार में लेंट निकले L2 वो यहाँ आ गया, दोनों को हमने जोड़ लिया। अब दोस्तों जो हमारा फाइनल ट्रेस निकला है, जो T2 ग्राम्स निकला है वो आपका यहाँ आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इनविजिबल लॉस कैसे निकालोगे, आप देखिए यहाँ पे इनविजिबल लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस लेंट परसेंटेज प्लस ट्रेस परसेंटेज। दोस्तों इनविजिबल लॉस क्या होता है कि जो हवा में उड़ जाता है और वो ना तो आपके ट्रेस में रहता है मौजूद और ना ही आपके लेंट में रहता है, मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता वो लॉस भी हो जाता है, उसको हम इनविजिबल लॉस बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने 100 ग्राम लिया था, हमें लेंट मिल गए जितने थे और हमें ट्रेस परसेंटेज भी मिल गया, तो हमने इनको दोनों को जोड़ दिया और 100 में से घटा दिया तो आपका हो गया इनविजिबल लॉस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये इफ द सैंपल इज प्रोसेस्ड फॉर 3 टाइम्स देन द ट्रेस परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज बिलो। अब दोस्तों यदि आपको जरूरत पड़ी कि आपको 3 बार प्रोसेस करना पड़ा अपने कॉटन लेंट्स को तो क्या होगा कि जो हम टेस्ट परसेंटेज निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे। देखिए दोस्तों जो आपको लेंट्स प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पे L1, L2 और L3, तो यहाँ पे तीनों को हम जोड़ देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 ये ग्राम्स हो गए। तो जितने ग्राम्स आएगा वही आपका क्या होगा, लेंट्स परसेंटेज आ जाएगा, मतलब कॉटन का जितना पोर्शन है वो निकल के आ जाएगा क्योंकि आपने 100 ग्राम लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो ट्रेस परसेंटेज होगा वो होगा आपका कितना होगा, T3 होगा, क्योंकि फाइनली आपको जो ट्रेस मिला है वो मिला है T3 ग्राम। तो आपका जो ट्रेस परसेंटेज हो जाएगा वो T3 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनविजिबल लॉस होगा वो 100 माइनस लेंट परसेंटेज प्लस ट्रेस परसेंटेज। अब दोस्तों जो हमें ट्रेस कंटेंट मिलता है, अब उसमें आपको ये पता लगाना है कि हमारे ट्रेस परसेंटेज के अंदर क्या क्या मौजूद है, मतलब जो सीट कोट्स हैं वो कितने हैं, डस्ट कितनी है, लीफ कितने हैं, किट्टी कितनी है। तो उन सबको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। जब हम अपने ट्रेस को तोल लेते हैं सही तरीके से, तो तोलने के बाद में हम इसको अलग अलग करते हैं। देखिए दोस्तों, द कलेक्टेड विजिबल ट्रेस इज पास्ड थ्रू ए वायर मैश ऑफ मैश साइज ऑफ VS 10 एंड VS 36। दोस्तों ये जो हमारा ट्रेस होता है उसको हम दो जालियों से पास करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेस होता है, कुछ तो मोटा वाला ट्रेस ऊपर वाली जाली पर रह जाएगा, उसके बाद में फाइन वाला ट्रेस होता है वो बीच वाली जाली पर रह जाता है, और उससे भी जो फाइन होता है वो नीचे ट्रे में गिर जाता है। तो दोस्तों देखिए कि जब हमने ट्रेस को ये दोनों जो मैसेज लगे हुए हैं ऊपर नीचे, तो इस पर जब हमने डाला तो ट्रेस ओवर मैश 10, मतलब जो 10 नंबर की हमारी जाली थी उसके ऊपर जो ट्रेस रहता है
तो उसको बोलते हैं हम सीट कोट्स, वो हमारे सीट कोट्स होते हैं क्योंकि उनका जो साइज होता है वो मोटा होता है, तो 10 नंबर का जो मैस की जाली होती है वो मोटी होती है, इसलिए ऊपर हमारे सिर्फ सीट कोट्स भी रहते हैं। अब दोस्तों देखिए ट्रेस ओवर मैस 36, जो हमारी 36 नंबर की मैस है या जाली है उसके ऊपर क्या बचता है, लीफी मैटर बचता है, मतलब जो हमारे ब्रोकन लीव्स होते हैं वो बचते हैं और किट्टीज वगैरह बचते हैं। दोस्तों अब क्या होता है कि इससे भी पास हो गया और इससे भी पास हो गया, तो वो होती है आपकी डस्ट, ट्रेस बिलो मैस 36, तो वो होती है डस्ट वगैरह। अब दोस्तों एक चीज और होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मतलब किसी भी मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या होती है और वो कैसे निकाली जाती है। दोस्तों ये हमारे टेस्ट एनालिसिस से ही जुड़ी होती है और आपकी स्प्रिंग में बहुत यूज होती है क्लीनिंग एफिशिएंसी किसी भी मशीन की, तो हर जगह पे हम ये निकालते हैं कि प्रोसेस के बिफोर और प्रोसेस के बाद में हमारी जो कॉटन है कितनी क्लीन हुई है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों क्या होता है, द क्लीनिंग एफिशिएंसी हेल्प टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन, ये जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है वो हमारी किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करती है। इफ़ द क्लीनिंग एफिशिएंसी फॉल्स बिलो ए सर्टेन लेवल, यदि हमारी मशीन की एफिशिएंसी है जो क्लीनिंग की वो एक लेवल से बहुत नीचे चली जाए, द मशीन सेटिंग्स नीड टू बी चेक, तो हमें तुरंत के तुरंत उस मशीन की सेटिंग को चेक करना पड़ता है। द रिमूवल ऑफ ट्रेस पार्टिकल सच एज सीड एंड लीफ पार्टिकल स्टाल्क सैंड एंड डस्ट फ्रॉम कॉटन इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड एज क्लीनिंग एफिशिएंसी व्हिच कैन बी एस्टिमेटेड एज बिलो। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है कि जो हमारे कॉटन से जो फीड मटेरियल है और उसको मशीन से पास किया, वो पास करने के बाद में जब हमें आउटपुट मिला तो पहले कितनी थी और बाद में कितनी रह गई जो इम्प्योरिटीज थी, तो उसको हम टर्म ऑफ परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ मशीन। और उस इम्प्योरिटीज में क्या क्या होता है दोस्तों, ट्रेस पार्टिकल में सीड कोट्स भी हो सकते हैं, लीफ पार्टिकल भी हो सकते हैं, स्टाल्क भी हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, तो इनका हम निकालते हैं कि पहले कितना था, मतलब फीड मटेरियल में कितना था टेस्ट परसेंटेज, और जब हमारा आउटपुट निकला मतलब डिलीवर्ड मटेरियल निकला उसमें कितना टेस्ट परसेंटेज बचा, तो उस तरीके से हम किसी भी मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी कैसे निकालें। देखिए दोस्तों अबाउट 200 ग्राम ऑफ सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीड एंड डिलीवरी ऑफ द मशीन लाइक ब्लो रूम और कार्डिंग। दोस्तों आपकी कोई मशीन हो स्प्रिंग की, उसमें 200 ग्राम मटेरियल आप बिफोर फीडिंग ले लीजिए और 200 ग्राम मटेरियल आप आफ्टर डिलीवरी ले लीजिए। दीज कलेक्टेड सैंपल्स आर एनालाइज्ड फॉर टेस्ट कंटेंट। अब दोस्तों हमने दोनों जो सैंपल कलेक्ट करे बिफोर फीड और आफ्टर डिलीवरी, तो उनको हम सर्टिफाइड टेस्ट एनालाइजर से एनालिसिस करते हैं। This analysis is carried out by processing a 100 grams of sample through a Sirley Test Analyzer. दोस्तों जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें से हम 100 ग्राम ले लेते हैं और फिर हम उसको Sirley Test Analyzer से फीड करते हैं। The resulting trace is collected and weighed accurately. अब जो ट्रेस निकल रहा है हमारा उसको हम इकट्ठा करते हैं और उसको तोलते हैं। Two samples are analyzed and average test content is calculated. जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया कि हम दो सैंपल एनालिसिस करते हैं, तो एक बार हमने 100 ग्राम ले लिया, दोबारा हम जो रिमेनिंग 100 ग्राम है उसको लेके फिर हम सर्वे टेस्ट एनालाइजर से फीड करेंगे और उसके बाद में हम उसको भी तौल लेंगे तो उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारा एवरेज टेस्ट कंटेंट हो जाएगा। और हम इसको फीड मटेरियल के लिए भी करते हैं और जो हमारा डिलीवरी मटेरियल है उसमें भी करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपका किसी भी मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी निकालने का है, वो होता है आपका T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पर T1 क्या है और T2 क्या है, देखिए जो T1 है आपका वो होता है ट्रेस इन मटेरियल फेड, मतलब जो आपने मटेरियल फीड किया उसके अंदर ट्रेस कंटेंट कितना था, और T2 क्या है आपका ट्रेस इन मटेरियल डिलीवर्ड, जो दोस्तों मटेरियल डिलीवर हुआ तो उसमें कितना ट्रेस कंटेंट बचा है। तो उसमें हमने क्या करा कि जितना हमारा पहले था, ये देखिए पहले था हमारा बिफोर प्रोसीजिंग कितना था,
डी वन था और आफ्टर डिलीवरी कितना हुआ, डी टू हुआ, तो इसका दोनों का अंतर निकाल लिया, मतलब टी वन माइनस टी टू और डिवाइडेड बाई टी वन इंटू 100, तो आपकी किसी भी मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी आ जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सपोज करिए आप कार्डिंग में हैं और कार्डिंग में पीछे से आपने जो कॉटन फीड किया है, आप किसी भी माध्यम से कर रहे हो, चाहे तो आप लैब बना के कर रहे हो, चाहे आपके क्वांटिटी फीड वगैरह से कर रहे हो, तो जब आप फीड कर रहे हैं तो बिफोर फीडिंग आप पहले टेस्ट करेंगे कि कितना इसके अंदर ट्रेस परसेंटेज है, और उसके बाद में फिर जो आपका सलाइवा निकलता है तो उससे आप कलेक्ट करके फिर आप ट्रेस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो उससे आप अपनी कार्डिंग मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सर्वलेट ट्रेस एनालाइजर होता है, इसकी सेटिंग्स क्या रखनी चाहिए और किसी भी पार्ट की स्पीड कितनी रखनी चाहिए, स्पीड्स एंड सेटिंग ऑफ सर्वलेट ट्रेस एनालाइजर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया हुआ है स्पीड्स, कौन से पार्ट की कितनी स्पीड रखनी चाहिए, दोस्तों ये टेबल में दिखाई हुई है मैंने, देखिए पार्ट नेम और स्पीड इन आरपीएम, जो हमारी टेकर इन होती है वो 900 आरपीएम पर रखी जाती है, फीड रोलर होता है दोस्तों वो 0.9 आरपीएम पर चलता है, हमारी केज होती है वो 800 आरपीएम पर होती है, फैन होता है आपका 1500 आरपीएम पर, और जो मोटर चलती है वो आपकी 1400 आरपीएम पर चलती है। अब दोस्तों जो हमारी सर्वलेट ट्रेस एनालाइजर में जो सेटिंग्स रखते हैं हम, वो किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यदि आपने सेटिंग्स को प्रॉपर नहीं रखा तो आपका जो ट्रेस परसेंटेज है वो वेरी करेगा, सही नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए सेटिंग क्या क्या रखते हैं, फीड प्लेट टू टेकर इन 4/1000 इंचेस, मतलब 4000, स्ट्रीमर प्लेट टू टेकर इन लीड इन एज 5/1000, मतलब 5000, स्ट्रीमर प्लेट टू टेकर इन लीड ऑफ एज 7/1000, मतलब 7000, स्ट्रिपिंग नाइफ टू टेकर इन बॉटम एज 4/1000 इंचेस, मतलब 4000, स्ट्रिपिंग नाइफ टू केज लीड इन एज 5/16 इंचेस, टेकर इन टू केज 13/64 टू 15/64 इंचेस। दोस्तों यहाँ पे ये गलत लिख गया है, ये 13/64 है, तो इसको आप 13/64 ही पढ़ें। और दोस्तों सेपरेशन सीट टू केज टॉप एज कितनी रखते हैं, 1/4 इंचेस, और डिलीवरी प्लेट टू केज कितनी रखते हैं, 1/16 इंचेस। तो दोस्तों ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको सेटिंग बहुत सही तरीके से करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ जो भी टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों आपने अभी भी यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।